नमस्कार दोस्तों, रेस के एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग अर्थशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में आर्थिक विकास के जो है अंतिम टॉपिक को जो है हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है आर्थिक विकास के चरण, आर्थिक विकास की प्रणालियां और आर्थिक विकास की युक्तियां, ये टॉपिक आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो है मुख्य परीक्षा में भी रखा हुआ है कि आर्थिक विकास की क्या प्रणाली होनी चाहिए, किसी देश के लिए यह कितना जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम इन तीनों जो है टॉपिक को जो है लेते हैं कि आर्थिक विकास के चरण, आर्थिक विकास के चरण, दूसरा है आर्थिक विकास की प्रणाली, आर्थिक विकास की प्रणाली, और तीसरा है आर्थिक विकास की रणनीतियां। आर्थिक विकास की रणनीतियां ये तीन टॉपिक है। इसी पूर्व में हम लोगों ने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच में जो है अंतर को देखा था, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण और भारत के अल्प विकसित यानी कि जो विकास के दौर में जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग विकासशील देश की स्थिति पर जो है अभी खड़े हैं और विकसित देश की जो है लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर आधारित जो है दो लेक्चर पूर्व में जो अपलोड किए गए हैं, तो उसके साथ में ये जो है इसी में कंटिन्यू करते हुए ये टॉपिक आज समाप्त होगा। तो आर्थिक विकास के जो है चरण, आर्थिक विकास के जो है चरण की बात की जाती है, तो जो कोई भी देश जो है सामान्यतः जो है कोई भी देश अगर कहीं पर जो है किसी उपनिवेश या किसी देश का जो गुलाम रहा है, तो जब वो स्वतंत्र होता है तो उसके समक्ष कई समस्याएं होती हैं और उसमें से एक समस्या आर्थिक विकास की भी होती है, वो किस तरीके से जो है विकास के मार्ग पर बढ़े। तो इसी तरीके से जब वो विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वो कुछ क्षेत्रों में जो है विकास करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वो एक ट्रेंड या एक प्रवृत्ति को फॉलो करता है, उसमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसी आधार पर कई चरण वहाँ पर बनते हैं। सामान्यतः इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो तीन चरणों की जो बात कही जाती है, अर्थव्यवस्था में जो है तीन चरणों की जो बात होती है, एक जो है पहला है प्रारंभिक जो है अवस्था और दूसरा है स्वतः स्फूर्ति की अवस्था और तीसरा है अधिकतम उपभोग। अधिकतम उपभोग की अवस्था, तो ये तीन जो है चरण इसमें बनते हैं। अब प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने आवश्यकताओं को ही पूरा करने का, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, इसमें सामान्यतः जो हमारी आर्थिक इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों पे ही जो है अपने जो लेक्चर और अपने जो विषय को जो है सीमित करेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो कृषि के क्षेत्र में जो है होती हैं और सामान्यतः जो जीवन निर्वाह कृषि यहाँ पर जो है पाई जाती है कि किसी तरीके से जो है जीवन यापन हो सके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ पे होती है। द्वितीय अवस्था एक स्वतः स्फूर्ति की अवस्था होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था इसमें चल चुका होता है, निकल चुका होता है, एक अपने मूलभूत जो है मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ चुका होता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो इसमें जो है कृषि का जो स्वरूप है वह जीवन निर्वाह से वह व्यावसायिक कृषि में जो है परिवर्तन होने लगता है, एक बात, और दूसरी तरफ में यहाँ पे औद्योगिकरण भी जो है प्रारंभ हो चुका होता है। तो जहाँ पहले में हम कृषि जीवन निर्वाह थी वहाँ पे व्यावसायिक कृषि हो जाती है, दूसरे में हम कुछ नए जो है क्षेत्र के लक्षण के साथ आगे बढ़ते हैं, वो है औद्योगिकरण होता है, तो इसमें औद्योगिकरण की कुछ गतिविधियाँ प्रारंभ हो चुकी होती हैं। और तीसरा है अधिकतम उपभोग की अवस्था। अधिकतम उपभोग की अवस्था इसमें जो है विकास के उच्चतम स्तर पर हम लोग पहुंचते हैं और जीवन यापन के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को भी जो है इसमें देखा जाता है, विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जीवन निर्वाह के की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं उनके साथ साथ व्यक्ति विलासिता की भी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है प्रत्येक देश में इसी स्वरूप में जो है आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो अर्थव्यवस्था
के विकास का जो चरण है वो इसी रूप में होता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो रोस्टो हैं, रोस्टो ने जो अर्थव्यवस्था के विकास के जो है 5 चरणों की बात कही है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 चरणों की बात कही। एक प्रारंभिक अवस्था, और दूसरा है जो है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तीसरी है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा है परिपक्व अवस्था, और पचवा है जो है अधिकतम उपभोग की जो है अवस्था। तो कुल मिलाकर के जो आर्थिक विकास के जो चरण है उसमें सामान्यतः 3 होते हैं, लेकिन जो किसी अर्थशास्त्री के संदर्भ में देखें तो रोस्टो ने अपनी पुस्तक दी प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में 5 चरणों की जो है बात कही है। तो ये जो है आर्थिक विकास का एक जो चरण, आर्थिक विकास के टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद हम लोग जो देखते हैं आर्थिक विकास की प्रणाली, आर्थिक विकास की प्रणाली। प्रणाली का मतलब क्या है कि एक सिस्टम के विकास के लिए हम जो किस सिस्टम को एक्सेप्ट करें। जब कोई भी देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है तो उसके सामने 3 मूलभूत समस्याएं तो आती ही आती हैं कि हम देश के जो है विकास के संदर्भ में, चूंकि विकास कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों के संदर्भ में हो सकती है जो कि देश के लोगों के द्वारा मांग होती है या जिनका हमें निर्यात करना होता है, उसी पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाए, और इन उत्पादन के लिए जो संसाधनों का वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार की जो है प्रणालियाँ यहाँ पर निकल करके सामने आती हैं। एक तो पूंजीवादी प्रणाली आती है, दूसरा जो है समाजवादी, और तीसरी जो है इन दोनों के जो है मिश्रित। तो ये 3 जो है प्रणालियां यहां पे दिखाई पड़ती हैं। पूंजीवादी जो है प्रणाली की अगर हम एक एक करके चर्चा करें तो पूंजीवादी प्रणाली को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर किसी भी जो है कारक या किसी भी स्थिति का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है, और मांग और पूर्ति का जो लक्षण है वो बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसीलिए जो है पूंजीवादी व्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो अमेरिका की जो विचारधारा है, अमेरिका की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर इकोनॉमी में देखें तो एडम स्मिथ और रिकार्डो तथा माल्थस ने जो है इस विचारधारा के अंतर्गत अपने जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आपको जानकारी भी है कि एडम स्मिथ ने जो श्रम विभाजन का सिद्धांत, रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत, और इसी तरीके से माल्थस ने जो है जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं 3 महत्वपूर्ण जो बिंदुओं की किस वस्तु का और किसके द्वारा और किस तरीके से वितरण का संसाधन का वितरण हो, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। तो किस वस्तु का उत्पादन इसमें होता है? पूंजीवादी व्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं के द्वारा मांग होती है, और जिन वस्तुओं की उपभोक्ताओं के द्वारा मांग होगी तभी उसमें जो है उन्हें मुनाफा और लाभ कमा प्राप्त होता है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरीके से लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। अधिकतम लाभ इसमें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उसी क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन से हो सकता है जिन क्षेत्रों में जो है मांग ज्यादा होती है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो उपभोक्ताओं को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है कि वह जिन वस्तुओं की मांग करेंगे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में होगा, और दूसरी तरफ ये किनके द्वारा किया जाता है? तो इसमें जो है निजी संपत्ति का धारण करने वाले पूंजीपतियों के द्वारा इसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, और संसाधनों के वितरण जो है वो मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा होता है। तो इस तरीके से जो पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो है निजी जो है क्षेत्र के कंपनियों, निजी क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा जो है मांग और पूर्ति से प्राप्त हुए संसाधनों के माध्यम से उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसकी एक जो है नेगेटिव पॉइंट जो है, या इसका जो अवगुण कहा जा सकता है, कि इसमें निचले तबके के लोगों की जो है विकास नहीं हो पाता है, और इसमें जो उच्च स्थिति में होते हैं वही दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो मार्क्स ने इस सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा जो विरोध किया था, और उन्होंने इसके जो है विरुद्ध साम्यवाद का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने पूंजीपतियों को जो बुर्जुआ वर्ग और श्रमिक वर्ग को सर्वहारा, बुर्जुआ वर्ग और
सर्विकों को जो है सर्वहारा वर्ग कहा और ये कहा कि इन लोगों का इसमें कल्याण संभव ही नहीं है और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग एकत्रित होंगे और पूंजीवाद के विरुद्ध जो है क्रांति कर देंगे और पूरी दुनिया में जो है साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, ऐसी उनकी विचारधारा थी। तो चूंकि इसी से जो है जुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको बताना उचित समझा। और दूसरा है समाजवादी विचारधारा, बेसिकली इसको केंद्रीयकृत नियोजन की जो भी विचारधारा, केंद्रीयकृत नियोजन पर आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्रीयकृत नियोजन का मतलब यह कि देश की जो सरकार होगी वो एक नियोजन यानी कि पूर्व में योजना प्लान बनाएगी और उसके आधार पर विकास किया जाएगा, तो ये समाजवादी व्यवस्था होती है। अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके की विचारधारा वैश्विक स्तर पर जो प्रतिपादन का है वो रूस के द्वारा इस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया जाता है मार्क्स, और इसी तरीके से एंजल और स्टालिन जो है इस तरीके की विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं समाजवादी विचारधारा का। अब इसमें जो है वस्तुओं की उत्पादन की अगर हम बात करें उन्हीं तीनों बिंदुओं जो पहले हमने समस्या बताई, तो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो देश के जो है लोगों के जीवन यापन से संबंधित बुनियादी जरूरतों को जो पूरा करते हैं, समाज के निचले तबके के लोगों के हितों को ध्यान में रख करके जो इसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं के उत्पादन का निर्धारण जो है वो नियोजन के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो वस्तुओं का उत्पादन सरकार के नियंत्रण में रहने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा जो है किया जाता है। भारत में भी कई प्रकार के जो उपक्रम हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तब यहाँ निजी क्षेत्र को भी स्थित मौका दिया गया, इसीलिए भारत में स्थित प्रकार का आगे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उपक्रमों के द्वारा किया जाता है जिस पर जो सरकार का नियंत्रण होता है। अब तीसरी बात है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, तो उत्पादन के साधनों पर जो है सरकार का राज्य का जो नियंत्रण होता है जिस देश में बातें होती हैं, तो इस तरीके से समाजवादी व्यवस्था का ये लक्षण है। अर्थात समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, वो देश के जो है लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन की प्राथमिकता को निर्धारित करता है और उनका जो उत्पादन है वो सरकारी क्षेत्र में रहने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, सभी वर्गों के बीच में असमानता को घटाने का प्रयास किया जाता है। तो ये व्यवस्था होती है जो समाजवादी व्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रित व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत स्वयं इसका जो है एक बेहतर उदाहरण जो है पेश करता है। और इसका अगर प्रतिपादन देखा जाए तो यह 1929 ईस्वी में जो है आप लोगों को जानकारी भी है, 1929 और 30 में पूरी दुनिया जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और इन्हीं के दौर में जो है कीन्स के द्वारा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि देश को मंदी से निपटने के लिए जो अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। और ये व्यवस्था इस बात पर आधारित थी या इस मान्यता को जो है स्वीकार करती है कि जब लोगों के पास जो है किसी कारण से जो है मांग कम हो जाती, क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती, कहने का मतलब यह है कि उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, जब उत्पादन कम हो जाएगा तो उद्योगों में छंटनी शुरू हो जाएगी, उद्योगों में छंटनी शुरू हो जाएगी, और जब छंटनी शुरू हो जाएगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और देश का आय कम हो जाएगा और देश मंदी के जो है दुष्चक्र में फंस जाएगी। तो इन्हीं परिस्थितियों में जो है कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों में क्रय शक्ति क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यातव्य है कि आपके 2006 ईस्वी में जो देश में नरेगा प्रारंभ किया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट, यानी कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम करने के लिए जो है गारंटी प्रदान किया गया 100 दिन के लिए, वो भी व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है इसी बात पर या इसी धारणा पर आधारित थी कि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता को बढ़ाया जाए तो उसके माध्यम से देश का विकास। तो दो आयामी इसमें जो भूमिकाएं थी, एक तो ये था कि देश में जो है विकास के कार्य होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, जो है तालाब का शुद्धिकरण होगा, स्कूल भूमि का जो है शुद्धिकरण होगा, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित भी होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी और मांग बढ़ेगा तो देश के उद्योगों में जो बूम आएगा। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी सब बातों पर आधारित है। इसके लक्षण क्या है, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, अगर एक लाइन में अगर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो परिभाषा को पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा जो है आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र होता है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के द्वारा जो है देश में विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
तो इसमें जो प्रतियोगिता भी होती है और सामाजिक न्याय की भी धारणाएं होती हैं, स्वतंत्रता भी होता है और सामाजिक न्याय यानी कि समानता भी होता है, और दूसरी तरफ जो है अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो समाजवाद और लोकतंत्र दोनों होता है, और इस पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। तो ये व्यवस्थाएं पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अब ये मान के चलिए कि आप जीएस पर बेस्ड अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। पिछले कई एग्जाम को अगर उठाकर देखेंगे तो 10 में 8 एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक जो है तैयार करने का प्रयास करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अभी समझ में आ गई होंगी। आर्थिक विकास की प्रणाली ये भी समझ लीजिए, जैसे जो चरण पूछेगा तो उसमें हम क्या चरण को शामिल करेंगे, प्रणाली पूछेगा तो प्रणाली से क्या तात्पर्य है, तीन प्रकार के सिस्टम है कि किस पर आधारित होकर के देश में आर्थिक गतिविधियां होंगी, और अगली जो है वो रणनीति है। रणनीति को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। रणनीति से तात्पर्य यह है कि देश में विकास के लिए किन किन जो है क्षेत्रक में जो है विकास को प्रारंभ किया जाए कि जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसके लिए जो है दो महत्वपूर्ण जो प्रणालियां जो विकसित रणनीतियां जो है अपनाई जाती हैं वो है, एक तो है इसमें जो संतुलित विकास की रणनीति, संतुलित विकास, और दूसरा है जो है असंतुलित विकास, संतुलित विकास और दूसरा है जो है असंतुलित विकास। दो प्रकार की रणनीतियां। संतुलित विकास इस धारणा को जो है मानता है कि देश का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हम सभी क्षेत्रों में जो विकास स्थापित करें, अर्थात इस जो है रणनीति को अपनाने वाले देश में जो है सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका क्रियान्वयन किया जाता है। यह सिद्धांत जो है रोजेनस्टीन रोडा के प्रबल धक्का सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने संतुलित विकास के अंतर्गत जो है रोजेनस्टीन रोडा एक अर्थशास्त्री जिन्होंने प्रबल धक्का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अगर हम इकोनॉमी के टर्म में बात करें तो। और दूसरी बात यह है असंतुलित विकास की रणनीति। असंतुलित विकास की रणनीति यह बताता है कि देश में सभी क्षेत्रों को एक साथ लेकर के नहीं बल्कि कुछ क्षेत्रों में जो हम विकास करें और उसी से संबंधित होकर के अन्य क्षेत्रों का भी विकास हो जाएगा। जैसे यह मानता है कि अगर हम पूंजीगत जो है उद्योगों के विकास पर बल दें तो उपभोक्ता पर आधारित उद्योग स्वतः जो है विकसित हो जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं जो कुछ क्षेत्रों के विकास के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को उसी से संबंधित करके जो है विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करता है। अगर हम इकोनॉमी के टर्म में बात करें तो हर्समैन रोस्टो और इसी तरीके से जो है पॉल स्ट्रीटन के द्वारा जो है ये असंतुलित विकास के जो रणनीति का जो समर्थन किया गया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में देशों को देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा संतुलित विकास की रणनीति, वहीं पर जो है रूस के द्वारा पहले असंतुलित फिर बाद में संतुलित विकास की रणनीति अपनाई गई। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित असंतुलित विकास की रणनीति को जो है अपनाता है। तो आपने देखा कि जो है आर्थिक विकास के जो है टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोगों ने अभी तक जो पूर्व और आज के लेक्चर में जो चर्चा किया वो ये था कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की जो अलग अलग अवधारणाएं किस तरीके से एक दूसरे से पूरक हैं, क्या दोनों में अंतर है, इसको आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और किसी भी देश के अल्प विकास के जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं, आर्थिक विकास के क्या जो है चरण हो सकते हैं, आर्थिक विकास की क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, और आर्थिक विकास के क्या जो है प्रणालियां हो सकती हैं। तो चरण प्रणाली और रणनीतियों पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो आर्थिक विकास का ये टॉपिक पूरी तरीके से जो कंप्लीट होता है और इससे संबंधित सवालों को हल करने में अब आप लोग जो पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। इस पर आधारित जो भी कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो है इकोनॉमी के इस टॉपिक के बारे में इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ जो है आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।